तो आपको राशन वगैरह मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। राशन वगैरह नहीं हाँ, मिलता कुछ है। नहीं मिलता है। जैसा कि गाय देख सकते हैं, इनके लिए जो सरकार की तरफ से राशन मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, बहुत ही दुखद समस्या है, आप भी देख सकते हैं। और ऐसे मकानों में इनको रहना पड़ रहा है, आप भी देखिए जो ऐसे मकान है यहाँ भोजन बन रहे हैं इनके, फिलहाल देख सकते हैं आप। और एक नहीं, जैसा कि गाइस अब हम आ चुके हैं, डबरा तहसील है, जिला ग्वालियर के अंदर हूँ। और डबरा तहसील के अंदर एक गांव पड़ता है देवगढ़, देवगढ़ के अंदर हम आ चुके हैं। और करीब करीब यहाँ कितने परिवार अंकल जी यहाँ रहते हैं? कम से कम 100 परिवार की लगभग, कितने 100 परिवार। मकान जैसे वैसे आपके तो कच्चे परिवार, झोपड़ी ऐसी बनी हुई है, हाँ सिर्फ कितनी है? यह 100 100 झोंपड़ी से ऊपर ही बैठेंगे। तो उसमें सदस्य कितने हैं? 700 500 बैठेंगे सर। 500 सदस्य। हाँ, 500 600 सदस्य तो 500 सदस्यों का ऐसे ही जीवन गुजर रहा है? ऐसे ही गुजर रहा है। ऐसे अच्छा, ऐसे ही। हाँ, ऐसे जीवन गुजर रहा है। कोई शिक्षा वगैरह? कुछ नहीं नहीं, है कोई ना, शिक्षा कोई नहीं शिक्षा वगैरह नहीं आती है है, ना कोई सुनाते हैं ना, बताते ना हैं। पानी की व्यवस्था है कोई, हाँ, ना लाइट की है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आप जैसे आप लोग मजदूरी करने निकल जाते हैं तो कितना बना लेते हैं? 100 200 रुपए जो भी है, 100 150 200 रुपए जो बना पाओ। घर हाँ, खर्चा भी नहीं चल रहा है अच्छे नहीं, से। कुछ नहीं चल रहा है, तो आपको राशन वगैरह मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। राशन वगैरह नहीं हाँ, मिलता कुछ है। नहीं मिलता है। जैसा कि गाय देख सकते हैं, इनके लिए जो सरकार की तरफ से कौन राशन मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, बहुत ही दुखद समस्या है, आप भी देख सकते हैं। और ऐसे मकानों में इनको रहना पड़ रहा है, आप भी देखिए जो ऐसे मकान है यहाँ भोजन बन रहे हैं इनके, फिलहाल देख सकते हैं आप। और एक नहीं, ऐसे ऐसे करीब करीब 100 मकान जो हैं कि बने हुए हैं, आप भी देख सकते हैं। और ये इतने सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आप वैस क्या इनकी व्यवस्थाएं यहाँ है। और जो रियलिटी है वो आपके सामने है, न तो राशन, न लाइट, न बिजली, कुछ नहीं, पानी, पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं। इतने लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये माता जी, लाडली बहनों के पैसे मिलते हैं आपको? कछु नहीं, कोई नहीं मिला तो पहली बार तो हमारे कछु नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? जो 1000 1000 रुपए मोदी जी ने सीएम साहब ने डाले थे वो भी नहीं आया आपको? नहीं आ रहा है, जो बीच वाले खा जाते हैं। कोई नहीं बने ना, कोई आधार कार्ड ना, कोई के कारट परमट कुछ नहीं मिल रहा। जो कुछ नहीं मिल बीच रहा। वाले नेता लोग खाते हैं ना, कुछ नहीं मिल रहा हमारे लिए। अरे राम हमारे राम, के लिए कुछ नहीं मिलता है। आप भी देख सकते हैं भाई बहनों, माता जी मना कर रही हैं। माता जी, आप कब से यहाँ रह रही हैं? हाँ, कब से रह रही हैं? कितना टाइम? इतने हाँ, से यहाँ रहते 10 साल हो रहे हैं हैं? सबको, 10 साल हो गए। जीवन ऐसे ही बहुत गुजर ज्यादा ही रहा हो रही हूँ। है? अच्छा, परेशान है आप? परेशान जो सबकी बात की परेशानी 35 है साल बेटा। से ऊपर हो गई। क्या क्या परेशानी है बहन जी, क्या क्या परेशानी? पूरी पूरी परेशानी है। अब ये आए बाहर से, अब दो दो 5 दिन रहेंगे फिर निकल जाएंगे, व्यवस्था नहीं होगी तो। तो खाने की परेशानी है ना। आप माता जी कैसे यहाँ तक कैसे भागती रहेंगी? आपको कहीं जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए? तब का करे, घर घर चेक करो ना, घर बिल्कुल चेक करो। व्यवस्था, वेट भी कोई नहीं है। आधार कार्ड वगैरह है आपके? आधार कार्ड वगैरह? नहीं हाँ, बन रहा है आधार कार्ड, नहीं बन रहा है। बीच बना ले जाता, मिल ही नहीं रहा है आधार कार्ड। अच्छा, ना परमिट मिल रहा है, हाँ ना अनाज मिल रहा है। तो मैं लौटा कर फिर देने नहीं है बेटा हमें। अच्छा, हाँ, आधार आधार कार्ड। कार्ड था मैं बनवा लो, तुम वोट डरवा ले और तुम खा पी के कनाए हो जा। तो गरीब आदमी कानो कमा कमा के ले आओ, कानो पैसा लगाए है। जो बताओ, मैं अब बाहर से हम कमा के ले आते हैं, है? और तुम लोग हम नौ से ले जाते हो, तो फिर हम बई बई को भाई, हमें ना जांगा है ना कछु है, पानी की व्यवस्था है नन्या हम और नो। क्या गंज जी, एक नाल है, एक नाल पे परेशान होते हैं। देखो जैसा कि देख सकते हैं, वो कैमरा जूम कीजिए, आप भी देखिए जो पानी भरने जा रहे हैं। देखो जी, अंकल जी बता रहे हैं कितना क्या। अंकल जी किले गुना से किले 1 किलोमीटर दूरी से पानी ले आ रहा है जी। के हाँ वो हाँ बातरफ से, हाँ बादराव से। जैसा कि गाय देख सकते हैं, किले के बातरफ से पानी लेकर आ रहे हैं। कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर कम से एक कम। किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर आप सर पर रखकर पानी लेकर आते हैं? हाँ अरे राम राम।
अंकल जी तो आपने एक बात बताऊं, आप लोगों ने प्रयास किया है आधार कार्ड वगैरह जो और चीजें हैं फॉर्म वॉर्म मकान के भरने की? जी और लोगों ने के कुछ बन गए, कच्ची के नहीं बने अभी तक। अब जी लोग धीरे धीरे बनते बनेंगे और कह देते अभी तुम बन जाएंगे और कह देते अभी नहीं बन रहे। अच्छा, कह देते हैं और कहते हैं प्रूफ ले आओ जी, ले आओ कहाँ का कैसे कहाँ के रहने वाले जी लोग बात करते हैं। आधार कार्ड भी दे दिए फिर? हाँ है, कोई आधार दे दो फिर कह रहे प्रूफ ले आओ, कहाँ प्रूफ दे दे बताओ। अच्छा अच्छा, जैसा कि गाइस देख सकते हैं ये अंकल जी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड वगैरह भी दे दिए फिर भी मांगते हैं प्रूफ। स्थानीय मूल निवासी सारे डॉक्यूमेंट इनके तैयार हैं। हाँ, जैसा कि देख सकते हो फिर भी लोग इतनी इतलाली बरत रहे हैं इनके साथ, एक कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ भैया आ रहे, भैया भैया आओ, आप आओ इधर इधर आओ। आपने फॉर्म कितनी बार भरे है मकान के लिए? जो अब मैंने क्या भी भर रहे निरस्त हो जाते हैं। सुन भाई, अच्छा हम भी इनके निरस्त हो जाते हैं। आप भी देख सकते हैं कितने भैया यार परेशान हैं। और जब बरसात का टाइम आता है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ होती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत ही बारिश से मकान फकान है ना, सो मतलब अब ये तुम खुद देख रहे पन्नी उड़ जाता। सही बात है। क्या भैया, जैसा कि देख सकते हैं पानी वगैरह इनके फटे हुए हैं और जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा ये दुखद रहते हैं, दुखी। 1200 रुपए लेना पड़ता है। अच्छा, हाँ बोलो कहाँ तक का रहते? अरे क्या माता जी, जो भी बात है क्या पानी उधार हजार की जैसे पानी ले ही ले हम तो बे हमें 1200 की फट जात तो फिर हमें पानी लेने पर अब कानो मंजूरी करें बताओ है? कब कानो हम पेट गरीब आदमी और पेट पाल पाल के हम मंजूरी कर कर के पेट पाल रहे बच्चन को। दीपावली अब दीपावली को वहाँ है तो फिर हम लोग से पैसा ले जाए वो सो कही बेटा के अब हम लोग तो कछु व्यवस्था न मान सन्नो और बीच वाले खा देते खा लेते हैं पैसा हमारे ऐसे आते हैं तुम्हारे खा जाते हैं। हाँ खा जाते हैं। अब घर मरजियां हो अच्छी ढंग की तो आप में बच्चा आप व्यवस्था तो काट सकते हैं। व्यवस्था की बात नन्या जामे जो है बेटा सब ही बात। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही धोखा देने की समस्या है। और इस वीडियो को भाइयों बहनों इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि जी वीडियो हर शख्स के साथ पहुंचनी चाहिए। और जल्द से जल्द मैं सरकार से यही आशा करता हूं, यही उम्मीद भाइयों बहनों आपसे करता हूं, इस वीडियो को आप जितना शेयर करोगे उतनी इनकी मदद मिलेगी और इनको राहत मिलेगी। मकान भी नहीं है मकान भी मिलेंगे, पानी नहीं है पानी भी, इनको जो भी है बोरवेल वगैरह है हैडपम्प वगैरह वो भी व्यवस्था इनकी बनेगी, सारी व्यवस्था। और स्कूल भी बनेंगे, स्कूल कोई बच्चे के लिए बच्चों के लिए कोई स्कूल की व्यवस्था है? नहीं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल की व्यवस्था अभी कोई नहीं है। और कुल मिला के जो है देश के भविष्य होते हैं छोटे छोटे बच्चे, और ये कैसे आगे बढ़ेंगे जब इनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? जैसा कि देख सकते हैं